वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो टॉपिक हमारा HTML में है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन द सेंस कि अगर जैसे कल हमने यूएल कोडिंग की थी, लिस्टिंग की कोडिंग की थी, आज हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट की है। मतलब जैसे कि अगर हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाया है, देखिए कॉफ़ी है तो यहाँ पर एक माइनस का ऑप्शन आ जाएगा डैश का, अगर हम ब्लैक हॉट ड्रिंक लिखा रहेगा, मिल्क है तो वाइट कोल्ड ड्रिंक लिखा रहेगा। तो इस तरह की मतलब ये उसकी कोडिंग है। ओके, तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं सेव एज पे आता हूँ, देन यहाँ पे मैं des.html लिखता हूँ। ओके, सेव किया मैंने, देन यहाँ पे इसको मैं अगर मिनिमाइज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ des है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए द डिस्क्रिप्शन लिस्ट कॉफ़ी है तो ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, ओके, मिल्क है तो वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी हो तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बना सकते हैं। ओके, अब अगर जैसे अगर कोई चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी है कोल्ड कॉफ़ी भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक कर सकते हैं, यहाँ पे COLD कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक, कोल्ड कॉफ़ी, ओके, COFF बोलिए, ओके। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सेव कर दूँगा, देन यहाँ पे आएंगे, अब देखिए यहाँ जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो कोडिंग हमारी जो है यही रहेगी। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की कोडिंग इसी तरह से की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।